लगे जिगर का हम यहाँ से निकल रहे हैं एलिफेंट पार्क से और चल रहे हैं स्पाइस गार्डन टी गार्डन की तरफ. सो लेट्स गो, लेट्स प्ले द ट्रेलर एंड लेट्स गो. खा रहे हैं इलायची. जस्ट अराइव एंड देयर इज अ गाइड विद अस हु इज गोना टेक अस अलोंग. Right there, they are bit in a rush. It looks like हमने यहाँ पर 6 लोगों का 600 दिया है. That means per head it's 100 bucks. And we're going to explore the farm. And I'm gonna take you all along with me. Plucking techniques, harvesting techniques, everything is gonna be on your way. And this is the entrance. It reminds me so much of Sri Lanka. To be honest, देखे. ध्यान से, be careful. And it clearly says spices, herbals, Ayurvedic garden visit. Vanilla, cocoa. पूछा. मैंने बताना मेरा खर्चा. हम लोग ब्लॉगर लोग हैं, हम लोग पूछते नहीं हैं. हम सीधा करते हैं. सर पकड़ो, सर पकड़ो. I am sorry, Babu. हमारे गार्डन का नाम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक स्पाइस गार्डन. अभी ये फार्म पूरा बताएं तो 50 एकड़ का फार्म होएगा. पूरा घूमने के लिए अभी इम्पॉसिबल. ये आप लोगों को दिखाने के लिए ओनली इधर 1 एकड़ में जो भी लगाया डेमो के लिए उसी में आप लोग इधर देख सकता है सारा स्पाइसेस का भी प्लांट है. साथ में हर्बल के लिए बोलेंगे तो आयुर्वेदा मेडिसिन का भी प्लांट साथ में होती है. आयुर्वेदिक के बारे में आप लोगों को मालूम होगा. आजकल एलोपैथी नहीं तो होम्योपैथी कोर्स कम्प्लीट किया तो कोई भी बीमारी चले गया तो परमानेंट वापस नहीं आती है. इसलिए आयुर्वेदा में कोर्स कम्प्लीट करना जरूरी होती है. 5 कंपनी होती है, उधर ही बनाते सारा आयुर्वेदा मेडिसिन. और आप डेली यूज करती है आपने कार्डमम इलायची. ये इलायची ओनली मोना रांडे तेकड़ी तक इधर ही आएगा. बाकी कोई भी जगह में नहीं आएगा. लगा हुआ है इलायची. इलायची इलायची का प्लांट है. मम्मी देखो ना, इलायची में ऑलरेडी हुई हुई है. इसमें बाहर भी रूट है. ये बाहर का रूट बोलते हैं, इसी में आएगा दाना. फर्स्ट व्हाइट फ्लावर है, ये ड्राई हो गया तो ग्रीन कलर का बीन्स. ये एक प्लांट लगा की 1 ईयर तक इसी में बीन्स पूरा ही आएगा. फिर ये कच्चे इलायची 6 किलो हाथ से निकाल की इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर में डालने से 1 ही किलो सूखा वाला मिलेगा. अरे बाप रे, मालूम है तेरे बाप को. मत सिखा चल. गुड टू नो इन्फॉर्मेशन. इलायची के छिलके मत खाया करो क्योंकि उस पे केमिकल स्प्लैशेस होते हैं. मैं तो उसकी चाय में हमेशा ऐसे डाल देती हूँ. पति को मारना चाह रही है ना? बकवास यार, ऐसे नहीं बोलते. कभी भी इलायची का छिलका मत खाना. तुमने बोला बेस्ट माउथ फ्रेशनर है मुझे. हाँ तो हाँ मम्मी, रुको रुको रुको, कैन आई शो इट टू द ऑडियंस. खा सकते हो आप? ओ ये बाद में ब्लैक हो जाते हैं ना. दाना खा सकते हो? हमें एक और पौधा दिखाने के लिए उत्साहित ग्रुप को और उत्साहित करते हुए. मिन्सी, यू आर ऑन द कैमरा, से हाय टू द व्लॉग. ब्लैक पेपर गाइस, वाओ. वो क्लोज अप करो. ये इधर इधर पीछे में लगा. इधर कहाँ पे, कहाँ पे? ओह या 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 या, दिस इज द वन, दिस इज द वन. ये है जो लटका हुआ आपको ऊपर से दिख रहा है. ब्लैक पेपर गाइस, ऐसा है. ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर एंड ग्रीन है. तीनों में एक ही प्लांट से मिलेगा. प्लांट एक के पर्पस से लगा. किसी को कोई भी पेड़ सपोर्ट चाहिए, बेले झाड़, ये प्लांट है. ये पेड़ सपोर्ट के लिए लगाया. अच्छा, ये पेड़ ये है? हाँ, ये पेड़ क्लाइंबर है. अच्छा, क्लाइंबर टाइप से. हाँ, ओके, ये वाला जाड़ बताएंगे. सुपारी का जाड़ है. बिटल जुलाई के सीजन में होता है, साल में सिर्फ एक बार होता है. और व्हाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर एक साथ एक पेड़ में होता है. जैसे कि प्लकिंग इज डिफरेंट. ब्लैक पेपर आप लोग उधर भी आप लोग डेली यूज करते हैं. आप लोग को उधर काली मिर्च में देखने से बड़ा सीड ज्यादा आएगा, छोटा कम आएगा. छोटा आती है वही ओरिजिनल काली मिर्च. बड़ा दाना पूरे उसमें वो पपाया सीड मिला के बेच देते हैं. जरूर कोई ना कोई गड़बड़. आई हैव ब्रह्मी. जैसे हम लोग तो सिर्फ ट्रैवल करते हैं ना, तो नींद का प्रॉब्लम हो जाता है. स्पेशली फ्लाइंग टाइम पे तो और होता है. तो मुझे नहीं पता था ब्रह्मी से होता है. उसमें लिखा हुआ है मेंटल रिलीफ. तो मुझे लगा इट्स फॉर कामिंग यू डाउन, बट इफ इट्स गुड देन आई विल गिव इट टू यू. स्लीप वगैरह का प्रॉब्लम है तो ब्रह्मी चूर्ण इज द बेस्ट. एंड विद दैट ऑयल ऑल्सो यू कैन डू मसाज इन द सेंटर. अभी एक और कुछ है, मैंने सुना नहीं.
कॉफी बीन्स का पेड़ राइट हियर. सो द कॉफी बीन्स गाइस, दिस इज हाउ द कॉफी इज बीइंग ग्रोन एंड इट गेट्स ड्राइड रोस्टेड. अभी कॉफी बताएंगे तो अभी तीन टाइप का आएगा. एक का नाम है अरबिका, एक लाइबेरिया, कोई भी इसी में. फर्स्ट जास्मिन जैसा व्हाइट फ्लावर है, फ्लावर ड्राई हो गया तो अभी ग्रीन है. अच्छा. ये पूरा पक गया तो चेरी जैसे रेड कलर का सीड होगा. होता है हाँ. वो निकाल के 1 वीक सनलाइट में डालने से स्किन ब्लैक होगा, फिर रोस्ट करके उसी के अंदर का दाना मिलेगा. ये एक सीड के अंदर छोटा छोटा 2 बीन्स होती है. हाँ जी. वो रोस्ट करके डार्क ब्राउन, उसके बाद पाउडर बनाते कॉफी पाउडर. यस. बैम्बू का तो बहुत वैरायटी है. वो वाले फ्लावर हम लोग क्या लगे हुए हैं. तो मेरे मॉम डैड को इतना मजा आ रहा है बिकॉज दे लव गार्डनिंग. देख रहे हो रेड वाला? हाँ, फ्लावर ये हमारे यहाँ बाहर लगा हुआ. अरे हाँ, ये तो देखा मैंने. कहाँ देखे हो? ये वाला, ये रेड वाला, ये हेलिकोनिया. बैम्बू ट्री है. बाम्बू मालूम होगा आप लोगों को, बाम्बू में 120 वैरायटी का प्लांट है. एक आएगा बेड़ा येलो स्टेम जैसे, ज्यादा से आएगा ओनली फर्नीचर के लिए यूज होती है. एंड दिस वन बोनसाई टाइप बाम्बू. पंसी मैम हमें पत्ते बांट रहे हैं, पता नहीं क्यों. हमें पता नहीं अभी किस चीज के पत्ते हैं. आपको टेस्ट करना फिर शायद मालूम है. एनी आइडिया? टेस्ट में वही आते बस. स्ट्रॉन्ग है. एक सेकंड बताएंगे. कोई नहीं, ऐसा याद आके बोलिए. पापा बताइए. नहीं नहीं नहीं, गरम मसाला लौंग. लौंग उसको पता चला है. ये पकड़ा है. ये 13 साल के लड़के को पता है क्या? हम लोग सोच रहे हैं इसको कहते हैं. मैंने यही बोला इट्स लाइक करौंदा. मैंने यहाँ पे खड़े होकर यही बोला बट आई डोंट नो द इंग्लिश टर्म फॉर करौंदा. आई थिंक इट्स वाइल्ड बेरीज. बट ये फ्रेम है ऊपर से गिर रहा है. मुंडी बजी है ना तुम्हारी? क्या लगा तेरे? इसकी मुंडी बजी है. आराम से चढ़, इतना तेज क्यों चढ़ा? चलो कोई नहीं, ज्यादा मेमोरी है भी नहीं कि लॉस होगा तुम्हारा. 13 साल की तो मेमोरी है हमारी. 10 साल की मेमोरी में इसने ये 10 दिन में पता नहीं कितना कुछ देख लिया. सब भूल जाएगा दिल्ली पहुंचते. भूल मत जाना. अश्वगंधा सारा आयुर्वेद इंग्रेडिएंट है. अश्वगंधा का प्लांट ये जो आप बॉडी बिल्डिंग और उस सब के लिए यूज करते हैं आजकल. अश्वगंधा स्ट्रेस रिलीफ, मसल बूस्टर, पावर, इम्यूनिटी, जो भी है इसी से बनता है आजकल. अश्वगंधा का बहुत है. तो वेरी नाइस, दिस इज द वन. बट ये लीव्स से है ना? लीफ इसी में भी छोटा छोटा फ्रूट आती है, अंदर भी बीन्स आती है. अभी उधर देखा आपने अंजीर. अंजीर 2 टाइप है. नॉर्मल अंजीर ड्राई फ्रूट जैसे डायरेक्ट खाते, ये वाइल्ड अंजीर करके आती है. ये अंजीर अश्वगंधा, काजू, बादाम, ग्रेप्स, हनिया, शीलाजित, संजीवनी, नायकुर, अमकुरु, सफेद मुसली ऐसा, 32 हेरबल का एक ही कॉम्बिनेशन है. वाजिटोन जनरल हेल्थ टॉनिक फॉर जेंट्स. महिला 30 के ऊपर जेंट्स के लिए एक मेडिसिन बनाते हैं. महिला उनका हीमोग्लोबिन इंक्रीज, इम्यूनिटी, बॉडी हेल्थ, ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेंथ, स्टैमिना, हार्ट ब्लॉकेज. कितना बड़ा है, कितना बड़ा कछुआ है. यहाँ क्या कर रहा है? वो सोच रहा है तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे यहाँ घर पे. हाँ, आपने फोटो डाली थी, मैंने देखा था. कुएं में टर्टल है. कुएं में टर्टल है? कुएं में टर्टल? हाँ, कुएं में टर्टल है. फंस गया लग रहा है. फंसा नहीं है, उसका घर है. वो ऊपर कैसे आएगा? वो नहीं आएगा, उसका घर है पानी में. इट्स अ वाटर टर्टल. सनी, व्हाट आर यू डूइंग? अरे उसको घूमना भी तो आता है ना. जियोलॉजी एंड बॉटनी बोथ आर टेकिंग अ टोल ओवर यू टुडे. भैया उसको कैसे घूमेगा वो? जैसे वाटरमेलन उगेगा वैसे वो घूमेगा. तो उसको कुछ वो ढूंढना होगा ना रेस लगाने के लिए. खरगोश तो खरगोश का कैसे लगा? ये सब नहीं जाएगा. तो बन्नी है ना कर रहे हो डालने के लिए. इधर देखो सनी, इधर देखो सनी, इधर देखो. क्या बेटा? दिस इज अ इंसुलिन प्लांट, हैव अ लुक. दिस इज द वन. यू नो व्हाट इज इंसुलिन यूज्ड फॉर? मैंने भी खा के इसको वो किया है. बट देन इट इज लिटिल बिटर. बट दिस इज हाउ द इंसुलिन इज बीइंग मेड फ्रॉम द लीव्स. वाओ, एकदम जैसे चंदन तुलसी जैसी स्मेल है. वाओ,
पापा को मैं कहा मैंने एक हूँ अरे सब में तो नहीं हो अभी फ्लावर अभी ये पूरे अभी दो दिन में ड्राई हो जाए क्या दे रही है सास तुम्हारी हमको दे रही है कॉफी फ्लावर कॉलीफ्लावर की जगह कॉफी फ्लावर जैस्मिन फ्लावर जैस्मिन फ्लावर नहीं कॉफी फ्लावर है कॉफी फ्लावर है अच्छा लग रहा है अरे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ये लीफ डिफरे पत्ता पूरा स्प्रेड हो जाती है इसी का साइड से फ्लावर और सीड सब आएगा ये वाह देखो 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 ये लीव्स उस पे लगा हुआ है लीव्स पे सारा कुछ लगा हुआ है तो रहे ये किस चीज का आपने बोला सर्पगंधा सर्पगंधा हम बहुत ढूंढ रहे थे इट्स एक्चुअली लुक्स लाइक स्नेक स्नेक हां ये इधर भी देखो ये फोटो लेना तो ये ऐसे ले लो ये देखो सारी नीचे देखो नीचे देखो ये ले ये की लीफ ये एक्सट्रैक्ट निकाल के इसी में वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल के मेडिसिन आएगा स्किन एलर्जी के लिए अच्छा बोलेंगे तो एंटी फंगल ऑयल अच्छा शायद सुने होगा सोरियासिस का प्रॉब्लम एकदम बड़ा वाला स्किन एलर्जी है सोरियासिस एक्जिमा फंगल इन्फेक्शन ब्लैक पैचेस रैशेस रिंगवर्म ऐसा एनी काइंड ऑफ स्किन एलर्जी के लिए ऑयल इसी से ही आती है मतलब की चीजें दिख जाती है कहीं पे सुपारी का पेड़ है बट हमें दिख नहीं पा रहा किधर ऊपर लगा हुआ है बेबी दिखाओ यहाँ से उपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी सुप हाँ हाँ दिखा 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 दिस इज द वन ओ गॉड फाइनली दिखा मुझे सुपारी दिख ही नहीं रही थी यार इतना टॉल पेड़ है सुपारी का पापा ले ले एक किलो सुपारी यहाँ से क्या मेलाटोनिन गाइस मेलाटोनिन सारे व्हाइट है 3 महीने में ब्लैक कलर से होगा अभी ऑलरेडी व्हाइट हो गया 6 मंथ लगाने से जो भी व्हाइट हेयर है डार्क ब्राउन कलर रहेगा मिनिमम 60 तक एज लोगों को लगा सकते नो नॉर्मल ऑयल फर्स्ट बताया राउंड मसाज करने के लिए ऑयल आएगा ऑपोजिट मसाज करना कस्तूरी टर्मरिक ये खाने वाला नहीं है लेडीज के लिए यूज होती है नेचुरल फेस पैक एंड नेचुरल हेयर रिमूवर के लिए पाउडर बोलेंगे तो इंस्टेड ऑफ वैक्स ऐसा नॉर्थ साइड में लेडीज को मालूम है कोई ने बार बार ब्यूटी पार्लर जाके हेयर रिमूव करते होगा बार बार वैक्स किया तो धीरे धीरे अपने बॉडीज का स्किन पूरा खराब होती है लेजर के कारण से फर्स्ट एक दिन वैक्स करना है दूसरा दिन से 25 दिन डेली पाउडर लगाने से परमानेंट हेयर रिमूवर है हाँ जी ये पाउडर आएगा पाउडर का नाम है कस्तूरी टर्मरिक 2 स्पून पाउडर लिया तो 4 स्पून कच्चा दूध 1 स्पून शुगर मिक्स करके पेस्ट बनाना अपने आईब्रो आईलैशेस छोड़ के एनी वेयर यू कैन अप्लाई 15 मिनट में ड्राई होगा फिर नॉर्मल पानी से रब करके वॉश करना 5 डेज डेली 5 डेज के बाद कस्तूरी टर्मरिक ये भी नॉर्मल हल्दी जैसे किया तो देखो ब्लड जैसा अरे हाँ ये देखो एकदम ब्लड प्रेस करने पे एकदम ब्लड की तरह आ रहा है वीडियो कर दो ये देखो जैसे ब्लड की तरह आता है ये देखो मैं करके दिखाती हूँ चोट लगी मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना जब ब्लड वलर निकल गया मेरे को लगा दूर रखना मेरे कपड़ों से अगर इसको पिचकाओगे तो इसका ब्लड निकल जाएगा पापा आइए हम आपको टीका लगा दें पापा खून 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 अरे वाह सच में ऐसा लग रहा है फर है अरे इसके प्रिंट देखो वाओ गाइस कैन यू आल्सो फील कि जैसा लग रहा है कि इसमें फर है बट इट्स एक्चुअली अ प्रिंट ये देखो नेचुरल वाओ नेचुरल प्रिंट इट्स अ ट्री हाउस पापा कम इधर आ जा दिखा अरे एक ट्री हाउस देख रहे हो तो फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ विजिट गार्डन विजिट का एंड हो गया है और हम लास्ट में ट्री हाउस जा रहे हैं ट्री हाउस यहाँ पे ऊपर अच्छा ये देखो कितना सुंदर व्यू है कितना मनमोहक व्यू है इतना सन्नाटा क्यों है वाह मेरा खुराफात था एक्चुअली और मम्मी को भी हमने चढ़ाया है हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया इनके ट्री हाउस में और सारी बकैतियां जो पापा कर रहे हैं पूरे ब्लॉग में मैं इन्हीं से सीखती हूं ये सारी गंदी हरकतें ही इज द मैन बड़ी इलायची कितनी इलायची भाई क्या हो रहा है आप लोग के बीच में क्या इधर का कैमरा है उधर का कैमरा उधर तुम्हारे तरफ है तो मैं नहीं बोल रहा बदतमीज आदमी जायफल का पेड़ है ये वाला जायफल का है अभी ये फ्रूट है ग्रीन हाँ ये पूरे पक गया तो स्किन येलो हो जाएगा हाँ हाँ
ये फ्रूट अपने ओपन होगा, इसके अंदर होती है सीड, जायफल, जायफल सीड, सीड के ऊपर करेक्ट, वो एक्चुअली सब्जी वगैरह में भी पड़ता है एंड नॉन वेज स्पेशली, उसमें तो बेसिक मसाला यही होता है। Guys, look at these flowers. These are decorative flowers. Ooh, special flowers from southern part of India, guys. Like ornamental flowers. So cute. I hope आपको आज का tour पसंद आया होगा, guys. अभी तक vlog चल रहा है, अभी फिलहाल इसके लिए खत्म है, लेकिन अभी आगे और भी कुछ आएगा तो आपको पता चलेगा क्या क्या आ रहा है। व्लॉग के एंड में हम लोग लगा देंगे। This particular episode is ending, my Kerala trip is on. तो अभी हम रात को जाने वाले हैं कल्चरल इवेंट में, तो उसके कुछ ग्लिम्सेस टुवर्ड्स द एंड लगाएंगे। आप एक काम करो, आप सब्सक्राइब करो, ऐश करो, संडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। दैट वाज आई गेस नॉट नेसेसरी, राइट?